ही आपके साथ और सीजीपीएससी घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां सीबीआई की रेड सीजीपीएससी घोटाला मामले को लेकर जारी है। बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी में छापा मारा गया। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के घर छापा मारा गया, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल के निवास पर छापा मारा गया। और आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ल के बेटे का मामले में नाम था, स्वर्णिम शुक्ला का भी मामले में नाम था। दुर्ग में पूर्व गवर्नर के सचिव के घर रेड मारी गई है। दरअसल दुर्ग में अमृत खलको के घर पर भी छापा मारा गया। धमतरी में पीएससी पूर्व चेयरमैन के घर रेड मारी गई। तीन तस्वीरें इससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवाली के घर पर भी रेड डाली गई है। तो ये बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी से तीन मामले रेड के सामने आए हैं, जिसमें सीजीपीएससी घोटाला मामले को लेकर सीबीआई की रेड लगातार जारी है। और धमतरी में छापा मारा गया, बिलासपुर में कांग्रेस नेता के घर पर छापा मारा गया। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल के आवास पर रेड मारी गई। राजेंद्र शुक्ल के बेटे का मामले में नाम सामने आया था, स्वर्णिम शुक्ला का भी मामले में नाम सामने आया था। दुर्ग में पूर्व गवर्नर सचिव के यहां रेड मारी गई और दुर्ग में अमृत खलको के घर पर भी छापा मारा गया और धमतरी में पीएससी के पूर्व चेयरमैन के घर पर रेड डाली गई। पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवाली के घर पर रेड डाली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी से सामने आई, जहां दुर्ग, बिलासपुर और धमतरी में छापा मारा गया और ये छापेमार कार्रवाई अभी भी जारी है। सीबीआई का छापा लगातार जारी है। सीजीपीएससी घोटाला से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई आगे रहेगी, इस पर डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। सीबीआई का ये छापा सीजीपीएससी घोटाला मामले में, और अब तक जो नाम सामने आए हैं उसमें धमतरी में, बिलासपुर में कांग्रेस नेता के घर पर, जिसमें कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल के बेटे का नाम सामने आया था, स्वर्णिम शुक्ला का भी नाम सामने आया था, और पूर्व गवर्नर के सचिव के घर पर रेड मारी गई, अमृत खलको के घर पर रेड मारी गई है, और धमतरी में पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवाली के घर पर रेड मारी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तीन तस्वीरें भी साथ साथ इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। सीजीपीएससी घोटाला मामले को लेकर सीबीआई की रेड लगातार जारी है, और अभी इस रेड में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, क्या पड़ताल में पता चल पाया है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। तीन तस्वीरें दुर्ग, बिलासपुर और धमतरी से हम आपको बता रहे हैं। सीजीपीएससी घोटाला से जुड़ी छापेमारी सीबीआई के द्वारा, और सीबीआई की इस छापेमारी में बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी में छापा मारा गया। बिलासपुर की यदि बात करें तो राजेंद्र शुक्ल जो कि कांग्रेस के नेता है, उनके बेटे स्वर्णिम शुक्ला का नाम सामने आया था। दुर्ग में पूर्व गवर्नर के सचिव अमृत खलको के घर पर छापा मारा गया। धमतरी में पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवाली के घर पर रेड मारी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, सीजीपीएससी घोटाला से जुड़ी हुई रायपुर से आ रही बड़ी खबर। और सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई पर छापा मारने के विषय पर राजेश मूणत का बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ में जारी सीबीआई छापे पर राजेश मूणत, घोटालेबाज, कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता सामने आ रही है। कांग्रेस सरकार में सीजीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, छात्रा लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और बीजेपी वादे के मुताबिक सीबीआई जांच करवा रही है। जब सीबीआई अपना काम कर रही है और उसमें अगर कांग्रेस के नेता लोग भी कहीं इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, उनके ऊपर आंच आ रही है, तो भी थोड़ा इंतजार तो करें। जब छत्तीसगढ़ के छात्रों के ऊपर पीएससी घोटाले में हजारों छात्र उसको लेके परेशान थे, हाईकोर्ट गए थे वही छात्र, हाईकोर्ट ने डिसीजन देने के बाद में वर्तमान सरकार ने उनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की, हाईकोर्ट ने उस समय स्वीकार किया कि इसमें गड़बड़ी हुई, छात्रों ने हजारों की संख्या में निकल के पूरे प्रदेश में आंदोलन किए, तब भी कांग्रेस ही कुछ नहीं बोले, उस समय उनकी सरकार थी। और जब ये सीबीआई अब जांच करने निकले तो खाली आरोप प्रत्यारोप करना कांग्रेस का काम है, करना तो कुछ नहीं। और आपको बता दें कि जिस तरह से राजेश मूणत का बयान सामने आया, उससे पहले जो जानकारी मिल रही थी सीबीआई के छापे की, अभिषेक पांडे धमतरी से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से इस पूरे मामले पर अपडेट लेकर जुड़ गए। मिथिलेश, पहले आपके पास आते हैं, दुर्ग में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है सीबीआई के छापे को लेकर, क्या है डिटेल्स अपने पास?
देखिए आशीष, आज सुबह से ही सीबीआई की टीम भिलाई में पहुंची हुई है, जहां पर राज्यपाल के पूर्व सचिव रहे हैं अमृत खलको, उनके निवास पर छापेमार कार्रवाई की गई। तालपुर में उनका निवास है, वहां पर आज सुबह से ही अधिकारी पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ दो अन्य जगहों पर भी छापामार कार्रवाई किए जाने की खबर है, जिसमें से कट्टू है और एक रिसाली का क्षेत्र है, जहां पर एक मकान में कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि दो अन्य जो है उसमें सीजीपीएससी में उनका चयन हुआ था, उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई जो माना जा सकता है तो वो भिलाई के तालपुरी में चल रही है, जहां पर पूर्व सचिव हैं राज्यपाल के अमृत खलको, उनके यहां निवास पे सुबह से ही अधिकारी पहुंचे हुए थे। लगातार कार्रवाई चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि आखिरकार किस तरह से जो गड़बड़ी की जो बातें सामने आई थी वो किस तरह से गड़बड़ी हुई है। तो इस तमाम इस मुद्दे को ही लेकर ये छानबीन की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या मिला है, किस तरह से पूछताछ है, लेकिन ये जरूर है कि लगातार जिस तरह से सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही है, उससे ये लगता है कि इस के मामले के तह तक पहुंचा जाएगा और इसमें जो भी जुड़े हुए हैं लोग वो सामने आएंगे। तो फिलहाल जिस तरह से सीजीपीएससी का घोटाला हुआ था, एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद में लगातार ये कार्रवाई जा रही है। इसके कुछ दिन पहले भी सीबीआई की टीम यहां पर भिलाई पहुंची हुई थी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही यहां पर छानबीन की थी। उसके बाद में शहर में एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, छानबीन की जा रही है और अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस किस तरह से पूछताछ हुई है। आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि आखिरकार किस तरह के उनका मुद्दे रहे थे। ठीक है, मैं लौटूंगा अभिषेक पांडे के पास, चलेंगे धमतरी अभी, और धमतरी में क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है अभिषेक, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, सुबह से सीबीआई की टीम आई थी, दो गाड़ियों में आई थी और 10 लोगों की टीम थी। करीब 4 घंटे तक जो सरबदा गांव है टामन सिंह सोनवानी पूर्व चेयरमैन का, उनके घर के अंदर रही और यही ये जानकारी सामने आई है। टामन सिंह सोनवानी पूर्व चेयरमैन है और उनके परिवार के करीबी रिश्तेदारों के 3 लोगों का चयन पीएससी में हुआ था। तब से ही चेयरमैन थे जो टामन सिंह, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे कि घोटाला करके अपने लोगों का चयन करवा लिया गया है। तो इस तरह के गंभीर आरोपों में सीबीआई की जांच चल रही है। जी हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर से हम खबर, विष्णुदेव कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, बैठक में सहायक कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। यहां डीए रेडी टू ईट संचालन पर मुहर लग सकती है, खाद और बीज के विषयों पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पहली बार सीएम हाउस में कैबिनेट की यह बैठक हुई है। और आकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आकाश, बैठक के संबंध में क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई, कैबिनेट की यह बैठक, और तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो मौजूद थे। कई योजनाओं पर चर्चा हुई जो राज्य शासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं, चाहे वो राशन का मामला हो या अन्य योजनाएं, स्वास्थ्यगत समस्याएं और उनकी योजनाएं भी रखी गई। इसी के साथ ही जो है अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। कुछ देर में जो है डिप्टी सीएम अरुण साव इस पर बात करने वाले हैं मीडिया से रूबरू होकर, इसमें क्या फैसला हुआ है ये जो है साझा करेंगे जी। लेकिन आकाश, अभी चुकी इस पूरे मामले में कई ऐसे विषय जिसमें रेडी टू ईट और खाद बीज के संचालन संबंधी विषयों पर भी चर्चा चली रही है, आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर कोरबा से, जहां एक शख्स की लात घूसे से पिटाई की गई और युवतियों ने युवक की जमकर धुनाई की। मेले में युवतियों ने जमकर पीटा और युवक पर वीडियो वायरल करने का आरोप लगा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस तो बुलाओ ना, पुलिस। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अब्दुल, मेले में ये किस बात का हंगामा मचा हुआ है? जी, आपको बता दूं कि ये युवती जो है अभी जो सावन माह चल रहा है तो कनकी गए हुए थे मंदिर में दर्शन के लिए, वहां पर कुछ युवक द्वारा जो है एक वीडियो बना दिया गया था और उसको सोशल मीडिया में वायरल किया गया था। इसी बात से नाराज होकर युवती की मुलाकात जो है वो उस युवक से मेले में हुई और उसके बाद उसको मौका पाकर उसने जमकर उसकी पिटाई की और उसके साथ गाली गलौज भी की। बहुत शुक्रिया। और रायपुर से हम खबर, कुत्तों के काटने के बढ़े मामलों पर मानवाधिकार आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें 119,928 कुत्तों के काटे जाने का आंकड़ा जारी किया गया। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा कुत्तों के हमले का यह मामला है, जिसमें 1 लाख
19,928 डॉग बाइट्स के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। जो नगर निगम है वो बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं डॉग बाइट से बचाने के लिए, स्टेरिलाइजेशन कराने के लिए। उदाहरण तौर पर बताऊंगा कि दुर्ग ने 2400 करीब डॉग को स्टेरिलाइज करने की खबर दिए है और संबंधित अन्य नगर निगम को भी हम सूचित किए हैं कि इसमें एक्शन लेने की बहुत आवश्यक है। और प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी एनिमल एक्ट में प्रावधान है 11 सेक्शन 3 के अनुसार कि जो डॉग पागल हो जाए या अत्यंत वायलेंट हो जाए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए प्रावधान है। और अगली खबर बिलासपुर से, जहां 18 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं 13 दिन के लिए। 11 दिन तक ये वंदे भारत या गीतांजलि एक्सप्रेस नहीं चलेगी। आपको बता दें कि आज से 11 दिन तक वंदे भारत, गीतांजलि एक्सप्रेस, इंटरसिटी, टाटा एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। राजनांदगांव और कलमना रेलखंड में काम चल रहा है, ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी ये ट्रेन कैंसिल रहेंगी। और इस त्योहार के बीच में इस तरह से ट्रेन का कैंसिल होना एक कारण चिंता का बन सकता है उन यात्रियों के लिए जिनकी टिकट्स पहले से ही बुक थी। और उनके अलावा जो हर रोज यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा झटका। और बढ़ते आगे सूरजपुर से अहम खबर, जहां 5 मवेशियों को ट्रक ने कुचल दिया और 5 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची भटगांव पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का आतंक जारी है। जशपुर में एक दतैल हाथी ने बुजुर्ग की जान ले ली। मामला पथलगांव वन क्षेत्र के बनगांव का है, जहां हाथी ने पहले घर में तोड़फोड़ की, उसके बाद बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। दूसरा मामला बलरामपुर जिले का है, जहां जंगल की ओर गए एक शख्स पर दल से बिछड़े एक हाथी ने हमला कर दिया और इस हमले में शख्स की मौके पर मौत हो गई। मामला रामानुजगंज वन क्षेत्र के चाकी गांव का है। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में सूरजपुर जिले में हाथियों ने 3 लोगों की जान ली है। वहीं सूरजपुर जिले में भी हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। धर्मपुर के खड़गवा क्षेत्र के दर्जन भर गांव के आसपास दल से बिछड़ा हुआ हाथी घूम रहा है। वन विभाग ने गांव के लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। और सरगुजा में हाथियों के लगातार हो रहे हमले पर मंत्री रामेश्वर नेताम ने कहा कि ट्राइबल बेल्ट में हाथियों का बहुत दबाव है और हाथियों का सोना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से वो गांव की तरफ आ जाते हैं। हाथियों की समस्या को हम जल्द ही केंद्रीय मंत्री के पास रखेंगे और उनके लिए कोई ना कोई स्पेशल योजना शुरू की जाएगी, उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी। कल भूपेंद्र यादव जी से भी मिला है और माननीय वन मंत्री जी भी मिले हैं, उनसे हम लोगों ने यही चर्चा किया है कि उन क्षेत्रों में हाथियों का बहुत अधिक दबाव है। हाथी के चलते जो है खास करके जो ट्राइबल बेल्ट हैं, रिमोट एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं, उनको रात में सोना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने उनके सामने हम लोगों ने प्रस्ताव को रखा है। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि रायपुर में 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। दरअसल सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बेमित्रा में अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। जांजगीर चांपा में मूसलाधार बारिश से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। बारिश की वजह से नगर पालिका की पोल खुल गई है। बारिश से पहले नगर पालिका ने नाले की सफाई नहीं करवाई, जिसकी वजह से घरों में पानी घुस रहा है। लोगों को अपने काम पर जाने में परेशानी हो रही है और लोग समय पर अपने दफ्तर, अपने कार्यस्थल नहीं पहुंच पा रहे। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसका प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है जीवन पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
और दंतेवाड़ा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से जमीन गीली हो गई और पेड़ों की जड़ें कमजोर हो गई हैं। और यहां आवरा भाटा रेलवे के पास एक पेड़ मकान पर आ गिरा। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि या किसी को कोई चोट नहीं आई। बताया ये जा रहा है कि पीड़ित परिवार लंबे समय से इस पेड़ को काटने की मांग कर रहा था, लेकिन निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अब बारिश के साथ विपदा भी बरस रही है। और गरियाबंद में भारी बारिश की वजह से एक मकान भरभरा कर गिर गया और हादसे में घर में मौजूद लोगों की जान बाल बाल बच गई। दरअसल घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से प्रशासन की टीम ने घर के मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। और हादसा गरियाबंद के नवापारा नगर पालिका का है। गौरतलब है कि भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। इस दौरान जो पुराने घर हैं उनके इसी तरह से गिर जाने का खतरा बना हुआ है। और सरगुजा जिले के ग्राम पटकुरा और चिताघुटरी के बीच बहने वाली नदी का जलस्तर बढ़ गया और जलस्तर बढ़ जाने से स्कूल गए 2 दर्जन से अधिक छात्र नदी के दूसरे छोर पर फंस गए। मामला मंगलवार शाम 4 बजे का बताया जा रहा है। कुछ दिनों से सरगुजा में लगातार हो रही बारिश चिंता का कारण बनी हुई है। नदी नाले उफान पर है और मंगलवार को जब पटकुरा के प्राइमरी स्कूल में छात्र पढ़ने गए थे उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया और छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे बच्चे दूसरी तरफ फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से नदी पार कराई गई। और गौरतलब है कि यहाँ पुल नहीं होने की वजह से हर साल भारी बारिश के बाद ग्रामीणों को और स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। और बड़ौदा बाजार से भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और उसके कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, दिखाएंगे आपको। अब लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने लगे हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर उनके रिश्तेदार ऐसे नाले को पार कर रहे हैं। बारिश की वजह से मल्ली नाला में पानी बहुत तेजी से आया और बारात आने तक नाले में पानी था नहीं, लेकिन लगातार बारिश के बाद विदाई के समय नाले में पानी भर गया, जिसके बाद दोनों को गोद में उठाकर नाला पार करवाया गया। और अंबिकापुर शहर में सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से लोग परेशान हैं और शहर के यहां खरसिया चौक से दरिमा चौक तक सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी जमा होने से सड़कें टूट रही हैं, दुकानों में पानी भर रहा है, व्यापारी परेशान है। मॉनसून की मुसीबत लगातार जारी है। नगर निगम जिला प्रशासन लंबे समय से निजात दिलाने की बातें भर कर रहा है। और मुंगेली में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि पुलिस ने पथरिया मोड़ पर नाकेबंदी कर गौवंश से भरे ट्रक्स को रोका, ड्राइवर को गिरफ्तार किया और एक ट्रक में 13 गाय के बछड़े थे और जिसमें 2 बछड़े की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक मालिक को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस गायों और बछड़ों को गौशाला लेकर भी पहुंची। नाकेबंदी पुलिस द्वारा तत्काल किया गया, बाद में एक कुछ व्यक्तियों के सहयोग से यह पता चला कि ट्रक जो है लोड करके निकल गया है। बाद में फिर व्यक्तियों के सहयोग से साथ में पीछा किया गया। पीछा करने पर ट्रक को कहीं पर रोका गया, जिसमें इसमें ड्राइवर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और साथ ही जो पशु जो हमारे गोवंशी पशु हैं उनके साथ लोडेड ट्रक को भी उसमें जब्त करने में सफलता मिली है। और सूरजपुर में 5 मवेशियों को ट्रक ने कुचल दिया। 5ों मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर हादसा मौके पर पहुंची भटगांव पुलिस जांच में जुटी। Thank you.
बाय।